नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो सीबीआई के अब भूतपूर्व डायरेक्टर आलोक वर्मा जी को सेलेक्ट कमेटी द्वारा वहां से हटा दिया गया है और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने डीओपीटी ने उनकी नई नियुक्ति एज डीजी फायर कर दी है। अब इसके बैकग्राउंड में थोड़ा आपको बता देते हैं कि ये क्या और कैसे क्या क्या हुआ। सीबीआई के एक स्पेशल डायरेक्टर नियुक्त किए गए थे राकेश अस्थाना जी, वो चूंकि उस पद पे आ नहीं सकते थे, मतलब उस पद के लिए प्रॉपरली सेलेक्ट कमेटी द्वारा नहीं नियुक्त किए गए थे, तो सेलेक्ट कमेटी ने 2017 जनवरी में एक प्रॉपर प्रोसीजर के द्वारा आलोक वर्मा जी को सीबीआई का 2 साल के लिए डायरेक्टर नियुक्त कर दिया। उसके बाद राकेश अस्थाना जी जो उनके मातहत थे और आलोक वर्मा जी जो सीबीआई के डायरेक्टर थे, इनके बीच में काफी कुछ खींचतान चली, तरह तरह के एलिगेशंस लगे और उसके अंतोगत्वा 23 अक्टूबर 2018 में रात में 2 बजे सीबीसी और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ने इन दोनों लोगों को छुट्टी पर भेज दिया और ये सारी चीजें रात में 2 बजे ये कार्रवाई हुई। ये टाइमिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दिन में, नॉर्मली ये सारे ऑर्डर्स दिन में आने चाहिए थे, लेकिन उस दिन पुलिस लगा के और नाकेबंदी करके रात में एकदम से रात में 2 बजे किया गया और नेक्स्ट डे एक इंटरिम डायरेक्टर के रूप में नागेश्वर राव जी को वहां चार्ज दे दिया गया। इसके अगेंस्ट में आलोक वर्मा जी और राकेश अस्थाना जी दोनों लोग कोर्ट गए और 26 अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई करते हुए सीवीसी को यह डायरेक्शन दिया कि आप जो भी ये एलिगेशंस हैं जिसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि इनको हटाया गया, आप एक उसकी जांच करिए। और साथ में उन्होंने कई डायरेक्टिव भी दे दिए, उन्होंने कहा यह जांच करिए, ये जांच अंडर अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस एके पटनायक के सुपरविजन में होगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस बीच जो एक्टिंग डायरेक्टर सीबीआई के नागेश्वर राव जी हैं वो कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं लेंगे और वगैरह वगैरह वगैरह, और उन्होंने उसका एक समय सीमा भी निर्धारित की कि इसको इतने 10 दिन में करिए और क्या करिए, वो सब हुआ। फिर 15-16 नवंबर 2018 में सीवीसी ने वो अपनी जांच पूरी की और उसको सुप्रीम कोर्ट को सबमिट किया। साथ में जस्टिस एके पटनायक ने भी अपना जो नोट किया कि भाई जिस नोट में उन्होंने लिखा कि मेरे सामने ये जांच हुई और जब आलोक वर्मा जी को सीवीसी में अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया तो वो उस समय वहां मौजूद थे और इस तरह से वो जांच वहां पे पूरी कर दी गई। उसको ऑब्जर्व करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस समय एक ऑब्जर्वेशन दिया। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई इस बेंच को हेड कर रहे थे, उसमें उन्होंने उस समय ये ऑब्जर्वेशन था कि ये जो सीवीसी की रिपोर्ट आई है उसको पढ़ने के बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि उन्होंने चार मतलब एक्सप्रेशन यूज किए कि इट इज वेरी कॉम्प्लीमेंट्री, फिर वी कैन ऑल्सो से इट इज नॉट सो कॉम्प्लीमेंट्री, देन वी से नॉट एट ऑल कॉम्प्लीमेंट्री और फर्दर इन्वेस्टिगेशंस आर रिक्वायर्ड इन सर्टन केसेस। ये उन्होंने कहा। फली नारिमन जो आलोक वर्मा के बिहाफ पे अपियर हो रहे थे उनको उन्होंने कहा कि भाई इसका अगर आपको जवाब देना चाहते हैं तो हाँ बिल्कुल देना चाहते हैं, और उसका जवाब भी आलोक वर्मा जी ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिया। ये सारी कार्रवाई होने के बाद 8 जनवरी 2019 में करीब 75-76-77 दिन बाद फिर वही 3 जो जज की बेंच थी जिस विच वॉज हेडेड बाई सीजीआई जस्टिस गोगोई, उन्होंने इस पे ऑर्डर दिया। ऑर्डर बहुत स्पेसिफिक था, उन्होंने पहली चीज कही कि सीवीसी और डिपार्टमेंट ऑफ डीओपीटी को ये कोई हक नहीं था उनको वहां से हटाने का, इसलिए उनको वापस रीइंस्टेट किया जाता है। हटाने का मतलब छुट्टी पर भेजने का कोई हक नहीं था। उन्होंने दूसरा कहा कि इस पे एक हफ्ते के अंदर जो सेलेक्ट कमेटी है, सेलेक्ट कमेटी जिसके मेंबर प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ये एक हफ्ते के अंदर इस पे बैठेगी और इस पे वो एक हफ्ते के अंदर यह निर्णय करेगी कि ये जो रिपोर्ट सीवीसी की है इस पे क्या निर्णय लें। उन्होंने ये भी कहा कि इस एक हफ्ते के दौरान जो
डायरेक्टर सीबीआई हैं, ये कोई पॉलिसी डिसीशन नहीं करेंगे। 9 जनवरी को आलोक वर्मा जी ने अपना चार संभाल लिया। 9 जनवरी की रात में, अभी एक हफ्ते का हालांकि समय था, लेकिन 9 जनवरी की रात में एक मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस है, पुराना 7 रेस कोर्स रोड, अब उसका नाम शायद लोक कल्याण मार्ग या कुछ हो गया है, तो वहां पे एक मीटिंग हुई सेलेक्ट कमेटी की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद, लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे साहब और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुद इसमें नहीं आए, उन्होंने अपना नॉमिनी बना के जस्टिस ए के सीकरी को भेजा। और वो उनके खुद ना आने का जो बेसिक कारण है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक, जैसे एक वो जजमेंट दे चुके थे तो एक तरह से वो पार्टी बन रहे थे, तो इसलिए उनको, उन्होंने उस लिहाज को रखते हुए उन्होंने जस्टिस सीकरी को सीजीआई का रिप्रेजेंटेटिव बना के वहां भेजा। उस मीटिंग में ये सीवीसी की जो रिपोर्ट थी और उस पर जो आलोक वर्मा जी का रिस्पांस था, ये वहां सर्कुलेट हुई। और ये मीटिंग 135 मिनट चली, मतलब 2 घंटे से ज्यादा ये मीटिंग चली। और उसके बाद मिनट्स ऑफ द मीटिंग साइन हुए। उस मिनट्स ऑफ द मीटिंग में कहा गया कि इसमें मतलब 2-1 प्रधानमंत्री जी इस ओपिनियन के थे कि आलोक वर्मा जी को जो सीवीसी ने जो कहा है वो चार्ज पर्याप्त है उनको हटाने के लिए। खड़गे जी का कहना इनिशियली ये था कि भाई इनको 77 दिन खराब हुए हैं, जो सीवीसी और डीओपीटी जो इसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं थे उन्होंने हटाया है, तो इनको 77 दिन का एक्सटेंशन दिया जाए। और फाइनली जस्टिस ए के सीकरी का एक तरह से कास्टिंग वोट प्राइम मिनिस्टर के साथ गया कि इनको हटाना चाहिए। लेकिन एक बहुत सरप्राइजिंग बात यह है कि जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग बने उस पर खड़गे साहब ने अपनी दस्तखत की विदाउट एनी डिसेंटिंग नोट। नॉर्मली क्या होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी जजमेंट पास होता है या किसी भी जगह मिनिस्टर ऑफ द मीटिंग होते हैं, अगर उसमें कोई मेंबर अगर उस राय का नहीं है तो अपना एक डिसेंट नोट लिखता है। ये खड़गे साहब ने वहां नहीं किया। हालांकि 135 मिनट मीटिंग चली थी तो 5 मिनट और चल सकती थी, कोई समय का ऐसा भाव नहीं था कि 5 मिनट में मीटिंग हुई। खड़गे साहब जब वो मीटिंग खत्म हो गई, अब कल से वो स्टैंड ये लिए हैं कि भाई मैंने मांगा था कि इसमें मुझे सुप्रीम कोर्ट में जो आलोक वर्मा ने अपना व्यू दिया है वो मुझे जरा बताया जाए, और जस्टिस पटनायक ने जो सुप्रीम कोर्ट का वो बताया जाए। हालांकि मुझे नहीं लगता उसकी कोई जरूरत थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया तो इन सब चीजों की तो कोई वहां जरूरत नहीं थी। अब एक बड़ा सवाल यह है कि इतनी हड़बड़ाहट में, मतलब उसके 20 दिन बाद सीबीआई के डायरेक्टर साहब 31 जनवरी को वैसे भी रिटायर हो रहे थे, यह पहली बार हिस्ट्री में हुआ है कि सीबीआई के डायरेक्टर को टर्म से पहले इस तरह से हटाया गया है। आपको याद हो एक बार टेंटेड कहना उचित नहीं है, रंजीत सिन्हा जी बहुत कंट्रोवर्शियल हो गए थे और उनके सारे अधिकार ले लिए गए थे, लेकिन इस तरह से उनको भी नहीं हटाया गया था। अब इसमें 2-3, क्योंकि जिस ढंग से हटाया गया उससे 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि ये क्यों हटाना चाहते थे, नरेंद्र मोदी जी क्यों इतना इंटरेस्टेड थे इनको हटाने में, और नरेंद्र मोदी जी जिनको, मतलब प्रधानमंत्री को लोकसभा में आरक्षण बिल पे के समय आके उस पर कुछ उन्होंने नहीं बोला, उससे पहले रफाल पे उन्होंने मतलब पार्लियामेंट में आए भी नहीं, हालांकि राहुल गांधी उनको चुनौती देते रहे, वो पार्लियामेंट में आए भी नहीं, लेकिन इस काम के लिए उन्होंने 24 घंटे के अंदर या 36 घंटे के अंदर ही आके सेलेक्ट कमेटी की मीटिंग करके इस पर एक निर्णय ले लिया। दूसरा कि इतनी हड़बड़ाहट के बाद वो क्या छुपाना चाहते हैं, मतलब वो क्या कर देते। थोड़ी देर के लिए ये समझ लीजिए कि ये कर क्या लेते, क्योंकि एक चीज और अजीब सी है, ये बार बार ये कहा जा रहा था कि पॉलिसी डिसीजन ना लें। तो भाई पॉलिसी डिसीजन क्या है, जैसे नागेश्वर राव जी ट्रांसफर कर रहे थे, पोस्टिंग कर रहे थे, जो पुरानी एफआईआर थी उसको परस्यू कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन ऑन था, तो यही सब तो पॉलिसी डिसीजन होता है। कोई सीबीआई का डायरेक्टर वहां बैठ के कोई हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्या वार्ता होनी चाहिए इस पर तो कोई बात करेगा नहीं, या हिंदुस्तान का मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होना चाहिए तो बात करेगा नहीं। अरे वो तो अपना लोगों का इन्वेस्टिगेशन कैरी ऑन करेगा जो नया कुछ है, यही तो पॉलिसी है। अब वो उसमें आएगी पॉलिसी डिसीजन ना करें, क्या पॉलिसी डिसीजन है ये किसी को आज तक नहीं पता है। दूसरा जो एक बार 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 एक बात आ रही है वो बात ये आ रही है कि भाई
आलोक वर्मा जी को एक चांस मिलना चाहिए था अपनी बात कहने का, जिसको कई लोग कह रहे हैं कि लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस के अनुसार उनको सेलेक्ट कमेटी को एक बार उनको बुलाना चाहिए था अगर इस तरह से वो हटा रहे हैं। इस बात में थोड़ा दम हो सकता है, इसके दोनों तरह के आर्गुमेंट हो सकते हैं। लेकिन एक अंतिम बात इसमें मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी को ऐसा लग रहा था कि मुख्य रूप से वो रफाल, जैसा कहा जा रहा है कि रफाल का कहीं वो FIR ना लिख दी जाए, FIR रफाल के मामले में, तो इसलिए यह हड़बड़ाहट थी। आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि रफाल की FIR हो जाती, आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग इधर उधर कर देते, जैसा कहा गया कि भाई उन्होंने जो पुराने ट्रांसफर थे उनको रद्द करके उनको वापस बुलाया, और जो राकेश अस्थाना का केस हैंडल कर रहे थे मोहित गुप्ता उत्ता उनको फिर वापस, मतलब तरह तरह की बातें हो रही हैं। हो भी जाता 20 दिन में क्या हो जाता, कोई पहाड़ तो टूट नहीं जाता 20 दिन बाद। अगर जो भी CBI डायरेक्टर आता और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आप आलोक वर्मा से कंफर्टेबल नहीं थे, तो कोई नया CBI डायरेक्टर आता तो वो तो भाई जो उचित होता, जो न्याय उचित होता वो उसको करता। तो इसमें हड़बड़ाहट का तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इन सारी चीजों के बाद जो मुझे लगता है कि ये PM का, देखिए ये सारा तो आज 2019 का इलेक्शन है, उसके अपने अपने सबके अपने अपने स्टेक्स हैं, लेकिन जहां पे मुझे एक बहुत निराशा हुई है एक संस्था से, वो संस्था है सुप्रीम कोर्ट, और उसमें खास करके चीफ जस्टिस गोगोई से। चीफ जस्टिस गोगोई जब आए थे बहुत आशा लेके आए थे और ऐसा माना जा रहा था ये नो नॉनसेंस है, ये बिल्कुल गो गेटर है, टू दी पॉइंट है। लेकिन हाल के 3 जजमेंट में जो CGI और जिस सब में CGI खुद उपस्थित रहे हैं उसमें, मैं आपको सिर्फ समझाने और समझने की दृष्टि से आपको 3 जजमेंट की बात कर रहा हूं। पहला जजमेंट CBI डायरेक्टर का, अगर आप 75-76 दिन आपके पास वो फाइल थी जिसमें आपने 8 जनवरी को एक निर्णय दिया, तो आप 75-76 दिन में आपने एक क्लियर कट निर्णय क्यों नहीं दिया? आपने CVC की रिपोर्ट भी मंगा ली, आपने उसको एंड वो जो CVC की जांच हुई थी अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज हुई थी, तो आपने जांच क्यों कराई? अगर आपको यही कहना था कि सेलेक्ट कमेटी इसका निर्णय लेगी, तो ये तो आपको 26 अक्टूबर को कह देना चाहिए था। आप इसमें 75-76 दिन क्यों बैठे रहे? 75-76 दिन बैठे रहे और उसके बाद आपने निर्णय भी ऐसा किया जिस निर्णय का कोई मतलब ही नहीं था कि भाई, मतलब वही आपने पोजीशन 23 अक्टूबर या 26 अक्टूबर की फिर वापस कर दी कि सेलेक्ट कमेटी करे, आपने कुछ सेटिसफाइड नहीं किया। आपने पॉलिसी डिसीजन करेंगे क्या करेंगे ये बिल्कुल स्पेसिफाइड ही नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से इस जगह कहीं ना कहीं से जैसा उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से क्लियर कट जजमेंट की, वो जजमेंट नहीं आया। दूसरा जजमेंट, एक रफाल की बात बार बार उठ रही है जिसमें एक 29 पेज का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया है, 34 पेज 29 पेज कुछ इस तरह का कहता है, और वो सारा जजमेंट बेस्ड ऑन अ नोट, अनसाइंड नोट है एंड विच इज नॉट इवन एफिडेविट। और उसके बाद उसमें हल्ला ये मचा कि भाई वो जो जिस नोट पे इज होना और हैज बीन वाला था, टाइपोग्राफिकल एरर थी सरकार ने कहा। आपको सुन के ताज्जुब होगा, मतलब उसमें यह माना जा रहा है कि रफाल में बार बार कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। आप जजमेंट पढ़ें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भाई प्राइस से हमारा मतलब नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई क्लीन चिट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया बेस्ड ऑन अ डॉक्यूमेंट जो सही नहीं था, मतलब जिसमें अंग्रेजी के इज और हैज बीन में बिल्कुल उसका अर्थ दूसरा अर्थ हो जाता है, लेकिन आपने वो जजमेंट दे दिया। उसके बाद जब वो टाइपोग्राफिकल एरर होके आ गई तो उसके बाद आप उस पर साइलेंट हैं। भाई लोग जानना चाहते हैं कि अगर वो अच्छा, उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल साहब कह रहे हैं कि मुझे तो ये जो नोट दिया गया मुझे इसका कोई ज्ञान ही नहीं है, मतलब जिस नोट की बेसिस पे आप अपना जजमेंट कर रहे हैं एंड विच इज अनसाइंड। जो थोड़ा बहुत भी कोर्ट कचहरी जानता है, क्या अनसाइंड नोट को कॉग्निजेंस लेगा कोई कोर्ट? अरे छोटा सा तहसील का भी कोर्ट होता है वो भी कहता है दस्तखत करके लाओ, हलफनामा बनवाओ, एफिडेविट बनवाओ। यहां पे आप रफाल का वो कर रहे हैं बिना एफिडेविट के, आप एक जनरल नोट पे आपने अपना सारा वो कर दिया, जो बाद में कहा गया जो CAG की रिपोर्ट के रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूं, वो भी एक अजीब सा जजमेंट आया है विच इज नॉट ए स्पीकिंग ऑर्डर। और तीसरा और अभी जो आज फिर आया, राम जन्मभूमि पिछले 25-30 साल से इस देश के जनमानस को बिल्कुल आंदोलित किए हुए है, वो एक इशू है। चीफ जस्टिस एक
पांच जज की बेंच बनाते हैं जिसमें वो खुद रहते हैं। 10 जनवरी को जब वो बेंच बैठती है हियरिंग के लिए, तब पता लगता है साहब उसमें यू ललित साहब जो एक जज साहब हैं, वो तो क्योंकि ऑलरेडी वो एक बार इस कल्याण सिंह को जो एक पार्टी थी और इस केस में मतलब कहीं ना कहीं वो इस केस से इन्वॉल्व हैं, तो ही कैनॉट बी वो उस बेंच में नहीं रह सकते हैं। तो क्या ये आपको एकदम से पता लगा? और ये ललित साहब की कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि अगर जब आप कंस्टिट्यूट हो रही थी बेंच आपको बताया जा रहा था तो आप कोर्ट बैठने से पहले ही सब आप लोगों ने क्यों नहीं शॉर्ट आउट कर लिया भाई? मतलब अजीब सा चीज हो गई है। तो मुझे तो यहां कहीं लग रहा है कि शायद जो क्योंकि ये मैं फिर इस रिस्क पे कह रहा हूं, मुझे फिर यह लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने जो जजमेंट देने वो क्लियर कट देने चाहिए, क्योंकि ये बीच की जजमेंट नहीं, ग्रे एरिया नहीं होनी चाहिए, या तो व्हाइट या ब्लैक। तो सीबीआई के केस में भी वो ना व्हाइट था ना ब्लैक था, रफाल के केस में भी ना व्हाइट है ना ब्लैक है, और सेम जो राम जन्मभूमि वाला केस आया है जिसपे पूरे लोगों की उम्मीद लगी हुई थी, वो 10 जनवरी को जब आप कोर्ट में बैठते हैं तब पता लगता है कि साहब आपके एक जज साहब ने तो ऑलरेडी इसमें क्योंकि वो एक केस कहीं सुन चुके हैं किसी एक व्यक्ति का इसमें, तो इसलिए उनको इसमें नहीं बैठना चाहिए, तब आप उसमें डिसाइड करते हैं हाँ हम नई बेंच बनाएंगे। तो मुझे तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि आगे आने वाले निर्णय में वो ज्यादा साफ गोई और क्लियर कट निर्णय देंगे जिससे देश को इस तरह के भ्रम देश में पैदा ना हो। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए।